आइए हम दोहा मात्रिक अर्धसम छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। लक्षणों के बारे में बात करें तो इसमें पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम यानी कि दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु न हो इस बात का ध्यान होना चाहिए और सम चरणों के अंत में गुरु और लघु हो इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। स्पष्ट तौर पर पृष्ठ पर आप देख रहे हैं इसी प्रकार से दोहा छंद हैं। बहुत ही सरल दोहे के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त करें। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। पहली पंक्ति में आप ध्यान देने की कृपा करें, जैसे लिखा हुआ है पहले मेरी जो शब्द है इसमें दोनों ही गुरु स्वर हैं तो इसलिए गुरु गुरु हैं, दो दो मात्राएं हैं। भव में लघु लघु स्वर हैं इसलिए एक एक मात्राएं हैं, लघु लघु हैं। बाधा में आप देख रहे हैं कि दोनों गुरु स्वर हैं इसलिए गुरु गुरु हैं, यानी दो दो मात्राएं हैं। हरों में ह में अ का स्वर है इसलिए लघु है, र पर ओ की मात्रा है इसलिए गुरु हैं। तो आपने ये देखा कि पहले जो चरण में हैं वो 13 मात्राएं हैं और बाद वाले जो सम चरण जो दूसरा जो चरण है उसमें आप देखें राधा नागरी सोई, राधा दोनों स्वर आ आ का यानी गुरु स्वर है इसलिए गुरु गुरु हैं। नागरी नागरी में गुरु है और ग में अ की ध्वनि है, र पर छोटी ई की मात्रा यानी लघु स्वर है इसलिए इसकी मात्रा ही में गुरु लघु लघु। सोए सोए में आपने देखा कि स पर ओ की ध्वनि है जो कि गुरु है और य में अ की ध्वनि है इसलिए ओ। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो 13 और 11 मिला करके 24 मात्राएं होती हैं कि यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 हैं और पहले और दूसरे अगर चरणों को अगर देखें तो 24 मात्राएं हैं। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति यदि आप ध्यान देवें जा तन की झाई परे, जा में आ की ध्वनि है इसलिए गुरु मात्रा है, तन में जो है अ की ध्वनि है दोनों में लघु लघु हैं, की में बड़ी मात्रा है इसलिए गुरु मात्रा दो मात्राएं हैं, झाई परे दोनों में आ और ई की बड़ी दीर्घ स्वर हैं इसलिए गुरु 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 व परे में लघु है, र में एक स्वर है इसलिए गुरु मात्रा है। तो इस प्रकार यहाँ आपने देखा कि जा तन की झाई परे में जो कि विषम जो चरण है तीसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं हैं। इसी प्रकार यदि आप देखें 11 मात्राएं जो अंतिम इसमें लिखा है श्याम हर दुतु हुए श्याम, अब इसमें आप देखें कि श्याम में या की जो ध्वनि है वो दीर्घ है, मैं पर लघु है इसलिए गुरु लघु है, हरित में आपने देखा कि तीनों में लघु स्वर हैं इसलिए लघु 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 है, द्वितीय में भी लघु 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 है, होय में आपने देखा कि होय है पर ओ का स्वर है इसलिए गुरु मात्रा है और अ में एक मात्रा है यानी लघु है। इस प्रकार यदि आप देखें तीसरे और चौथे चरण में कुल मिलाकर के 24 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से आपने आज जाना कि दोहा जो छंद है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, सम दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं और विषम चरण के अंत में गुरु लघु हैं, मतलब न है नहीं हो इस बात की ध्यान रख इस बात का ध्यान रखना है और सम चरणों के अंत में गुरु लघु हो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से यह स्पष्ट हुआ दोहा छंद।